गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, यू नो व्हाट, आज जिस मूवी पर, जिस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, ये मूवी जो है सीक्वल है। इस मूवी का पार्ट वन आ चुका है, तभी आप देख रहे होंगे कि दृश्यम टू लिखा हुआ है, जिसमें अजय देवगन। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद करती हूँ, मतलब उम्मीद नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ऑफकोर्स देखी होगी, मूवी बहुत हिट हुई थी। और इस मूवी के बारे में कहा जाता था कि भाई, मतलब कम बजट पे भी ना बहुत अच्छी मूवीज है। लाजमी नहीं है कि स्विट्जरलैंड या कनाडा का व्यू दिखाएंगे तो ही मूवीज में कोई अच्छे गाने डालेंगे, या एक फजूल की स्टोरी ही होगी कि दो विलन होंगे या एक हीरो होगा, दो हीरोइनों के पीछे लड़ाई होगी। मतलब आजकल की जिस तरह से स्टोरीज बन रही है, मतलब आप समझ सकते हैं। दृश्यम एक बहुत ऐसी स्टोरी थी जिसका मैं आप पार्ट वन का खुलासा करूंगी। और आप लोग अगर कहें कि अरे यार, जिन लोगों ने नहीं देखा उनका सस्पेंस खराब करें, मुझे करता है, मुझे करना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसका सस्पेंस था क्या। एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली, अजय देवगन की, जो केबल वाला होता है, उसके फादर केबल वाले होते हैं, बड़ी मूवीज देखता है, बहुत ज़्यादा मूवीज देखता है, तो उसे क्राइम सीन्स को छुपाना, या कह सकते हैं कि उसको पता होता है कि हैंडल कैसे करना है। लोग उसी से मशवरा लेते हैं, उसी से चीज़ें, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मूवीज देखते हैं ना, तो उसको हर केसेस कहीं ना कहीं पता होता है। लोग उसको बड़ा टाउन का समझदार आदमी और शरीफ आदमी कंसिडर करते हैं, शरीफ होता भी है एक्चुअल में। उसकी बेटी के साथ जो है, एक पुलिस वाले का बेटा जो है मिसबिहेव करता है उसकी, कहीं वो लोग जाते हैं ट्रिप पर, पिक्चर ले लेता, वीडियो ले लेता, ड्रेस चेंज करने वाला, उसे ब्लैकमेल करता है, तो वो उसको ब्लैकमेल करता है, तो उस माँ और बेटी दोनों से जो है वो बच्चा, मतलब एक्सीडेंटली जो है उसकी बच्चे की डेथ हो जाती है। अब छोटी बेटी भी देख लेते हो, छोटी बेटी वाकई बहुत छोटी होती है, और छोटे बच्चों से जो है पुलिस वाले बहुत आसानी से, यू नो, सच उगलवा सकते हैं। लेकिन अजय देवगन ने बहुत ट्रेन किया होता है, पूरी मूवी जो है ना दृश्यम इसी पर होती है, लोग ढूंढते हैं। इसमें अजय देवगन से ना एक जेलिस पुलिस वाला भी होता है, जो घूस खाता है, जो रिश्वत लेता है, अजय देवगन उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर चुका होता है, तो वो उसे अजय देवगन से ना एक कोई खांड, वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुर्रांड किस्म का नेचर होता है, पर्सनल वो रिवेंज भी चाहता है कि अजय देवगन के और उसकी फैमिली के साथ बुरा हो। तो वो, मतलब पूरी मूवी उस पर थी, और एंड तक अजय देवगन ने कहाँ बॉडी छुपाई होती, अपनी फैमिली को भी नहीं बताता। इवन इसमें एक ऐसा सीन भी होता है कि ये पुलिस वाला ही उसकी बच्ची, छोटी बच्ची को मार के पूछता है, तो वो बच्ची बता देती है डर के, क्योंकि उसको मारता है, तो वो जब लेकर जाती है तो वहाँ गधे की लाश होती है। तो ये पहली मूवी थी दृश्यम की, इसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई, मुझे बड़ा मजा आया। सो दृश्यम पार्ट टू में क्या है ये हम देखेंगे अब इस ऑफिशियल ट्रेलर में। ये दृश्यम पार्ट वन से कैसे डिफरेंट है और ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे खींचेगा, ये जरूरी है। सो आइए देखते हैं। सच पेड़ के पीछे ओ, अक्षय खन्ना भी है। जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर रह जाता है। सात साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आया हो, पुलिस यहाँ खोद रही है, वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। पापा, वो पुलिस आ रही है। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकता, कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों आ रहे हैं? कहीं आपने भाई को तो। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, पर वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? केस के बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। सर बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस है, वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। वो बहुत चालाक है, सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि विजय भाव ने बॉडी वही छिपाई है। सर, 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 सर। आज तक के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, आज भी वही करूँगा। मैं
मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। वाओ, अभिषेक पाठक के लिए क्लैप होना चाहिए बिकॉज डायरेक्टेड बाय यू नो अभिषेक पाठक। और क्या उन्होंने मतलब इस दर्शन 2 में भी जो है सस्पेंस बरकरार रखा है। यू नो अक्सर बहुत मुश्किल होता है जब पहली मूवी हिट हो जाए उसके बाद जब सीक्वल बनता है तो वो अक्सर डिजास्टर होता है। लोग अपनी तरफ से, डायरेक्टर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन उस पर इतना प्रेशर होता है कि वो एक खिचड़ी बना देता है, मज़ा नहीं आता। अक्सर ऐसा हुआ है कि ऑडियंस को जो है पार्ट 2 देखने में इतना मज़ा नहीं आया, पार्ट 1 देखने में मज़ा आता है। लेकिन इसका पार्ट 1 से भी ज़्यादा पार्ट 2 में जो ये इन लोगों ने ऑफिशियल ट्रेलर में जो इतनी भी सस्पेंस डाला है वो वाकई लाजवाब है। ख़ास तौर पे अच्छा एक दो सीन्स हैं जो इन्होंने रिपीट किया। अच्छा अक्षय खन्ना साहब जो हैं, अक्षय खन्ना एक्टर जो है वो पार्ट 1 में नहीं थे तो पार्ट 2 में तो डबल धमाका है क्योंकि ये पुलिस के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसमें तो नो डाउट। और तब वो भी यू नो उसका वो जो डायलॉग था कि उसने जो है एक माँ से, वो माँ वाली जो लाइन थी वो भी बड़ी पावर पैक, लाइक ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो होगा, मतलब अब जो है सच सामने आ जाएगा। क्योंकि यार सीक्वल 2 है तो पहले में तो सच नहीं आया, हम सब इतने खुश हो गए कि चलो फैमिली बच गए अब तो कुछ होगा। सेम एक और जो है सीन अगर देखा जाए तो वो सीन भी वही था जिसमें पहले छोटी बेटी को मारा था उसी ने, वो जो मैं जिस पुलिस वाले की बात कर रही थी जिसको पर्सनल दुश्मनी होती है, वही जो है दोबारा उसकी बेटियों को मार रहा होता, अब बड़ी बेटी को मार रहा होता। तो यू नो वो सीन्स अगर आप देखें तो वो सीन्स दृश्यम पार्ट 1 और दृश्यम पार्ट 2 में थोड़े से मैचेबल है, लाइक सेम लिए हैं। बाकी उसके अलावा कोई सीन जो है जिस पर मुझे ऐसा लगे अरे यार ये तो पार्ट 1 का ही डाला है, ये तो पार्ट 1 का ही, तो वैसी स्टोरी किशमिश, नहीं। अभी भी वो यही कह रहा है कि मैं हमेशा अपने दिमाग की सुनता हूँ, ये बहुत शार्प होता है। अब 7 साल से तो लाश मिली नहीं है लेकिन क्योंकि मूवी है, मूवी में कुछ तो यू नो क्रिएट करेंगे सस्पेंस और चीज़ें, एंड में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं ये मूवी डेफिनेटली मतलब यू नो एक्साइटेड भी हूँ। और मैं कहूँगी आप लोगों को ज़रूर कि ये मूवी पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 1 देखेंगे ना यार पार्ट 2 में और मज़ा आएगा। पार्ट 2 डायरेक्ट देखने चले जाएंगे तो पार्ट 1 की कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी चीज़ें वो मिस कर देंगे। तो 18 नवंबर को ये तमाम सिनेमाज में आ रही हैं और मैं साथ साथ कहूँगी कि आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन, आप लोग भी नीचे बताएं कि किसने पार्ट 1 देखा है और पार्ट 1 में कौन सा सीन अच्छा लगा है और कौन सा जो है सीन देखे आपको गुस्सा आया। सो गाइज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।